बाबा लेटेस्ट चैनल लेटेस्ट नर्सिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड चैप्टर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, फर्स्ट ऑर्गन फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था दोस्तों, और आज हम सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, वो है फेरिंग्स। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को देखें अगर अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैंने आपके लिए इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपके लिए इतने अच्छे नोट्स तैयार किए हैं दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें और पूरी देखें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है, पहले हमने डिस्कस किया था दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, क्या होती है फेरिंग्स और सारे स्ट्रक्चर कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, कितने टाइप की होती है और कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है दोस्तों, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही सीधी और साधारण भाषा में मैं आपको बताऊंगा और आपको याद भी कराऊंगा दोस्तों, लेकिन हमारी वीडियो को देखना बीच में ना छोड़ें। ठीक है, सबसे पहले बात कर लें फेरिंग्स ये होती क्या है और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। देखिए, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला जो ऑर्गन होता है वो नोज़ होती है। नोज़ के बाद में जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर जो होती है वो दोस्तों फेरिंग्स होती है, जिसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है, फेरिंग्स की जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करें, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है नेजोफेरिंग्स, दूसरा पार्ट है ओरोफेरिंग्स और तीसरा पार्ट है दोस्तों लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो इन सभी की जो लंबाई होती है अलग अलग से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे नेजोफेरिंग्स की जो लंबाई है दोस्तों 4 सेंटीमीटर होती है और ओरोफेरिंग्स की जो लंबाई होती है वो भी 4 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार से लैरिंगोफेरिंग्स की जो लंबाई होती है वो भी 4 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। इसी तरीके से इसकी जो पूरी लंबाई होती है वो दोस्तों कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, बड़े शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊँगा और सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ाऊँगा दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो हमारी ईस्ट्रियोकिन ट्यूब होती है, कान में जो ईस्ट्रियोकिन ट्यूब होती है वो कौन सी फेरिंग्स में जाके खुलती है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन 100% आता है। तो फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और ईस्ट्रियोकिन ट्यूब का संबंध होता है। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन दिखे आपको नेजोफेरिंग्स आंसर कर देना है। ईस्ट्रियोकिन ट्यूब का क्वेश्चन दिखे, कहाँ जाके खुलती है, वो नेजोफेरिंग्स में जाके खुलती है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। उसके बाद में ये किससे बनी हुई होती है, या सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, इसको भी आप याद रख लेना। उसके बाद में ओरोफेरिंग्स की बात करते हैं, 4 सेंटीमीटर होती है, हायर बोन 2C3। हायर बोन आपको पता होगा, हायर बोन से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हायर बोन एक ऐसी बोन है जो किसी भी बोन से टच नहीं होती है, सभी बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, लेकिन हायर बोन एक ऐसी बोन है दोस्तों जो किसी भी बोन से टच नहीं रहती है, इसको याद रखना। और हमारी टंग का जो लास्ट पार्ट होता है वो हायर बोन ही होती है, हायर बोन से टच रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और C3 तक होती है, यानी कि ओरोफेरिंग्स की जो लंबाई होती है हायर बोन टू C3 सर्वाइकल 3 तक होती है। उसके बाद में जो ओरोफेरिंग्स होती है स्ट्रेटिफाइड स्कोमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं लैरिंगोफेरिंग्स के बारे में। लैरिंगोफेरिंग्स की हाइट भी 4 सेंटीमीटर होती है, और ये किस किस के बीच में होती है, ये C3 और C6 के बीच में होती है, समझ गए, C3 सर्वाइकल 3 और सर्वाइकल 6 के बीच तक इसकी लंबाई होती है, और ये किससे बनी हुई होती है दोस्तों, स्ट्रेटिफाइड स्कोमस एपिथेलियम टिश्यू की। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपकी फेरिंग्स हो गई दोस्तों। फेरिंग्स के बारे में क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिए, इससे बाहर फेरिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं आएगा CHO और स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लैरिंग्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैरिंग्स क्या होती है और इसका दूसरा नाम क्या होता है। लैरिंग्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स होता है, और ये वोकल कॉर्ड भी इसको बोलते हैं। आवाज़ प्रोड्यूस करने की, यानी कि वॉइस प्रोड्यूस का काम क्या कौन करती है, ये लैरिंग्स ही करती है। ठीक है, तो लैरिंग्स जो होती है, फेरिंग्स के बाद में जो पार्ट होता है लैरिंग्स होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद में इसका जो मेन फंक्शन होता है वो वॉइस प्रोड्यूसन करना होता है। और सबसे मेन बात क्या है दोस्तों, ये किससे मिलके बनी हुई होती है, ये कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। कितने कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स में, 9 कार्टिलेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कितने पायर्ड कार्टिलेज होते हैं और कितने अनपायर्ड कार्टिलेज होते हैं। अनपायर्ड और पायर्ड, पायर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि जोड़े के साथ, और अनपायर्ड का मतलब होता है दोस्तों बगैर जोड़े, यानी कि सिंगल फॉर्म में पाया जाता है।
उसके बाद में बात करते हैं अनपैड कौन कौन से होते हैं और पैड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पैड यहाँ पे हैं, ओ सॉरी अनपैड ये हैं और पैड ये हैं। अनपैड की बात करें, मैं यहाँ पे आपके लिए छोटी सी ट्रिक बताऊँगा दोस्तों। अनपैड के लिए TCE, आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं इसको। TCE, टी याद रखना है, सी याद रखना है और ई याद रखना है। थायराइड, क्रिकॉइड, एपिक्लोटिस, ठीक है, ये तीन कार्टिलेज हो गए आपके अनपैड जो सिंगल होते हैं। और पैड जो कार्टिलेज होते हैं दोस्तों, ए सी 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 सी, बोतल आपने सुना सुना होगा, ए सी सी, ये आपके हो जाएंगे क्या, पैड। अब हम धीरे धीरे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए थायराइड कार्टिलेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये लार्गेस्ट कार्टिलेज होता है। ठीक है, सबसे लार्गेस्ट कार्टिलेज कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों लार्गेस्ट थायराइड कार्टिलेज होता है और ये हायलिन से मिलकर बना हुआ रहता है। एडम्स एप्पल भी इसको बोलते हैं, जो एडम्स एप्पल होता है वो इसको बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। क्रिकॉइड कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं, ये रिंग शेप होता है, ये भी हायलिन से मिलकर बना होता है। ये दोस्तों आप याद रख लेना कौन सा कार्टिलेज किससे मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, कौन सा इलास्टिक कार्टिलेज है, कौन सा हायलिन कार्टिलेज है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रखना। मैंने आपको बड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इनके पीछे अगर मैं चाहता तो आपके लिए 2-3 पेज लिखा सकता था, लेकिन मुझे नहीं लिखाने थे दोस्तों, मुझे बस आपको बताना था, आपको याद कराना था, आपको याद हो जाएगा इससे। अगर मैं लिखाऊंगा तो आप उसको भूल जाओगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हुए हैं। लेड कार्टिलेज जो होता है ये स्पून शेप होता है, लीप शेप भी होता है और फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे अनपायर्ड कार्टिलेज जो सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं, ए टी सी ई। टी का मतलब है थायराइड, क्रिकॉइड और एपिक्लोटिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं पैड के बारे में। पैड मैंने आपको बताया था, पैड ए सी सी, ए का मतलब होता है एरिटिनॉइड, सी का मतलब क्यूरीफॉर्म और क्रीबीफॉर्म। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में पायरामिड शेप का जो होता है वो एरिटिनॉइड कार्टिलेज होता है और ये भी हायलिन से मिलके बना हुआ रहता है दोस्तों। उसके बाद में क्यूरीफॉर्म होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है और क्रीबीफॉर्म होता है, ये भी इलास्टिक कार्टिलेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे लैरिंग्स से। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, वोकल कॉर्ड जो मैं आपको बता रहा था, वोकल कॉर्ड भी पार्ट है इसका। तो यहाँ पे जो वॉइस प्रोडक्शन का काम करती है वोकल कॉर्ड, ये भी लैरिंग्स में ही है। तो टू पैड होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, जो वोकल कॉर्ड होते हैं ना, वोकल कॉर्ड, ये वॉइस प्रोडक्शन, यही लैरिंग्स में होते हैं और ये वॉइस प्रोडक्शन का काम करते हैं। जब वॉइस प्रोड्यूस कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब ये ट्रू एंड फॉल्स। ओके हाँ फ्रेंड्स, वोकल कॉर्ड के बारे में अगर बात करें, ये दो प्रकार से होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। जो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं दोस्तों वही प्रोडक्शन का काम करते हैं, फॉल्स जो होते हैं वोकल कॉर्ड वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो फॉल्स ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड आपको पता है कई सारे होते हैं, वोकल कॉर्ड एक ही होता है। और जो ये साउंड प्रोडक्शन होती है कैसे होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे एडक्शन, जब वोकल कॉर्ड आपस में ऐड होते हैं, एडक्शन, देखिए एडक्शन और एक है यहाँ पे एबडक्शन। ठीक है, एडक्शन और एक होता है एबडक्शन। आपको इनमें अंतर में आज बता देता हूँ, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, काफ़ी इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐड, ऐड मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, और एब, एबडक्शन ये अलग होना। तो जब वोकल कॉर्ड एडक्शन होंगे, जुड़ेंगे आपस में, तो हाई पिच साउंड होगी, आवाज़ प्रोड्यूस होगी, वो भी हाई पिच में। और जो एबडक्शन होता है, अगर वोकल कॉर्ड का एबडक्शन होगा तो इसमें लो पिच साउंड होगी। ठीक है, लो पिच साउंड होगी। तो यहाँ पे ये वॉइस प्रोड्यूस ऐसे होती है, इस चीज़ को आप याद रखना, एडक्शन एबडक्शन में अंतर पता लग गया होगा आपको। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स दो प्रकार के वोकल कॉर्ड होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके लिए फेरिंग्स लैरिंग्स वोकल कॉर्ड कंप्लीट हो गए दोस्तों, आई होप आपको इनमें कुछ समझ आया होगा। और उसके बाद में बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की,
वो है एपिग्लोटाइटिस, यानी कि एपिग्लोटिस का इन्फ्लामेशन। क्या दोस्तों? एपिग्लोटिस का इन्फ्लामेशन, एपिग्लोटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ एपिग्लोटिस। दिस इज मैन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू, सो यू हैव टू लर्न अंडरस्टैंड। उसके बाद में सबसे, देखिए मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, सबसे ज़्यादा जो कंडीशन होती है किस में होती है, ये 2 से 8 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कौन से सीजन में प्रॉब्लम होती है दोस्तों? ये सर्दियों के मौसम में ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको समझ रहा होगा ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट का आप मतलब समझते होंगे, हवा से, खांसने छींकने से इसका ट्रांसमिशन होता है। कॉज क्या होता है, किसकी वजह से होता है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो हिप होता है, हेमोफिलोजा इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस होता है, ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इसका मेन कॉज होता है ये एपिग्लोटाइटिस का। तो मेन टॉपिक है ये इन्फ्लामेशन, जो एपिग्लोटिस का इन्फ्लामेशन होता है वो एपिग्लोटाइटिस होता है। कौन सी एज के बच्चे रिस्की होते हैं? 2 से 8 साल के। कौन से सीजन में होता है ये? सर्दियों के सीजन में होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ड्रॉपलेट इसका ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा होता है फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें। अगर किसी बच्चे को 2 से 8 साल के बच्चे को फीवर होता है तो हाई ग्रेड फीवर होता है। डिस्निया, डिस्निया का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर, डिस्निया, स्ट्रेडर यानी कि खर्राटे, स्ट्रेडर खर्राटे, यहाँ बच्चों को खर्राटे होते हैं, आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो और ट्रेपड पोस्चर यानी कि एक्यूट कंडीशन होती है ये, ट्राइपोड यानी कि टेढ़ा मेढ़ा बच्चा हो जाता है, बोलते हैं ना एड वगैरह लेता है, तो उस कंडीशन में बच्चा हो जाता है, ट्राइपोड कंडीशन हो जाती है उसकी। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और चेस्ट रिट्रैक्शन, आपको जब बच्चा सांस लेगा तो चेस्ट रिट्रैक्शन होगी काफ़ी ज़्यादा, तो इससे आपको पता लग जाएगा बच्चे की क्या कंडीशन है, एपिग्लोटाइटिस। ये सारी कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है किसी बुखार बुखार से आप सोचने लग जाओ कि एपिग्लोटाइटिस हो सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो फीवर, डिस्निया, स्ट्रेडर, ट्राइपोड पोस्चर, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट और चेस्ट रिट्रैक्शन। आपको पता है जब बच्चा सांस ज़्यादा बार लेगा, जल्दी जल्दी लेगा, तो चेस्ट रिट्रैक्शन की कंडीशन हो जाती है उसमें, ठीक है। उसके बाद में इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करेंगे हम इस चीज़ में, लैरिंगोस्कोपी करते हैं दोस्तों, फाइब्रोप्टिक, ठीक है, लैरिंगोस्कोपी, लैरिंग्स में कैमरे की सहायता से इसको देखते हैं ट्यूब डाल के, तो उसको लैरिंगोस्कोपी बोलते हैं, आराम से देख सकते हैं क्या कंडीशन है, फाइब्रोप्टिक होता है ये, ठीक है। और जो इसकी फाइंडिंग है, जो उसको डायग्नोसिस करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, फाइंडिंग क्या क्या देखने को मिलेगी, अगर हम लैरिंगोस्कोपी करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, थंब प्रिंट साइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको आप नोट कर लीजिए, थंब प्रिंट साइन किस में देखने को मिलता है, ये एपिग्लोटाइटिस में देखने को मिलता है, थंब प्रिंट साइन, ठीक है। सीटी स्कैन करते हैं, एलोवियन साइन देखने को मिलता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कराऊंगा दोस्तों बाद में, अभी आप बस ये समझ लें ये क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, बस आप देखते रहिए। थर्ड है थ्रोट कल्चर, थ्रोट का कल्चर करते हैं इसमें, ठीक है, टू फाइंड कॉजेटिव एजेंट। थ्रोट का कल्चर किस लिए करते हैं? कॉजेटिव एजेंट को, यानी कि हिव को जांच के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन O2 विद हीलियम। हीलियम क्यों देते हैं? स्वेलिंग को कम करने के लिए, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन दें, ऑक्सीजन के साथ में हीलियम भी देते हैं, इसको टोटल मिला के क्या बोलते हैं? हेलियोक्स, ठीक है। मैनेजमेंट है किसका? एपिग्लोटाइटिस का। इंजेक्शन एपिनेफ्रिन देते हैं, स्वेलिंग को कम करने के लिए देते हैं एपिनेफ्रिन। और ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है क्या होती है? पेनिसिलिन। एपिग्लोटाइटिस की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? पेनिसिलिन, ठीक है। बड़ी शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको करा रहा हूँ, नोट्स ज़्यादा भारी नहीं है, आप इनको आराम से लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन हो गई, ड्रग फॉर कैरियर रिफामसिन हो गई, कैरियर ड्रग रिफामसिन हो गई। और मैन पी पी हो जाए
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं, इसका मास्क होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके कि एपिग्लोटाइटिस वाला पेशेंट है तो PPE कौन सी यूज़ करोगे आप, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है मास्क, ओरल प्रोसेसर आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, जैसे एपिग्लोटाइटिस है, ओरल प्रोसेसर यानी कि ओरल से जो भी आप एग्जामिनेशन करोगे वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एपिग्लोटाइटिस को टच करने से बहुत पेन होता है और बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, तो ओरल प्रोसीजर सभी इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटर होते हैं इसमें। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रिवेंशन पेंटावेलेंट। ठीक है, प्रिवेंशन कौन सा वैक्सीन करता है इसकी, पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होता है उससे इसकी प्रिवेंट उस वैक्सीन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसलिए पेंटावेलेंट का जो वैक्सीन लगता है वो ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लैरिंजियल कार्सिनोमा। ठीक है, लैरिंजियल कार्सिनोमा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊँगा, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा और आप नोट्स बनाएं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, जिस तरीके से मैंने नोट्स लिख रखे हैं उसी तरीके से आप भी बनाएं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।